हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स। कैसे हैं आप लोग? और फ्रेंड्स, आज मुझे किसी ने आईना दिखा दिया। आईना दिखाते हैं ना, आईना ही दिखा दिया। मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, फेक भी हो सकता है, कोई हो सकता है लड़ाई लगवाने वाला हो, पर जो बात उसने बोली ना वो मुझे ट्रिगर कर गई। बात तो बिल्कुल सही बोली, गलत बात बिल्कुल नहीं बोली उसने। उसने बोला कि बहुत सारे क्रंचर्स हैं, हर बंदा किसी ना किसी क्रंचर को देख के बिगड़ा है, जैसे कि आप बिगड़ी हैं। मैं हश पप्पी चैनल था उसको देख के बिगड़ी हूँ, आप बिगड़ी, मैंने ढक्कन के चैनल को देख के बिगड़ी हूँ। मैंने ढक्कन का चैनल फॉलो किया, मैंने हश पप्पी का फॉलो किया, मैंने डिज़ायर मट के स्टॉक वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारा देख के मैं बिगड़ी थी। तो मैंने बोला, हाँ चैट चल रही थी, अननोन था, तो भैया मैंने बोला कोई हो सकता है। फिर उसने मुझे अपने रिपोर्ट्स भेजे, सबसे पहले रिपोर्ट्स भेजे, ये है मेरा रिपोर्ट, ये है रिपोर्ट। मैंने बोला बताओ तो तुम किसको देख के बिगड़ी? तो कह रही मैं बोलूँगी आपको लगेगा बुरा। मैंने बोला ऐसा क्या है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? बोलते नहीं भैया, आप पार्शियलिटी करती हो। मैंने बोला मैं और पार्शियलिटी? बोलते हाँ, आप एक क्रंचर्स के बारे में बोलते हो और दूसरे क्रंचर्स से दोस्ती करती हो। मैं समझ गई। मैंने बोला कौन? मुझे लगा हमारी बिटिया रानी। मैंने कहा नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो, मैंने बिटिया रानी पर भी बात की है। बिटिया रानी हमारी सिंपल बिटिया। मैंने कहा हमने तो अपनी सिंपल बिटिया के लिए, जिस इंसान ने ज़िंदगी में कभी डांस ना किया कर हो, एक ठुमका ना लगाया हो, उसने सिंपल को रोस्ट करने के लिए एक उड़पटांग सा डांस तक कर दिया है, अपना मजाक उड़ा दिया YT पे, आप मुझ पर ये एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? बोले ना, है अभी भी कोई जिसको तुम छोड़ रही हो, भूल रही हो। मैंने कहा कौन? बोले YT की, क्रंच वर्ल्ड की सबसे अबला नारी। मैंने कहा अबला नारी कौन? अबला नारी? बोले अबला नारी जो आपकी फ्रेंड है, जो YT में बहुत परेशान है क्रंच वर्ल्ड में। मैं समझ गई कौन है, और आप भी समझ गए कौन है, है ना? क्योंकि हमारा वास्ता दो क्रंचरों से पड़ता था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने उनके क्रंच को कभी सपोर्ट नहीं किया, मैं उनके व्लॉग्स को सपोर्ट करती हूँ और ये वो। तो बोल रही वो सिंगल मदर है, तो कह रही दुनिया में सब सिंगल मदर हैं तो सब आके खाने लग जाएं। आपने जब छोटी ढक्कन के लिए बोला था कि सब लोग गरीब हैं, उन्होंने मुझे छोटी ढक्कन वाले वीडियोस याद दिलाए कि सब लोग गरीब हैं, तो क्या वो सबको लड़कियों को बिगाड़ना स्टार्ट कर दें? तो वो चीज़ यहाँ पे लागू क्यों नहीं है? कितनी औरतें विडो हैं, कितनी औरतें क्या क्या है, तो लोग ऐसे ऐसे। तो मैं यार अब मैं क्या बोलूँ, मैं शांत हो गई, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो है मुझे, मैं क्या करूँ, मैं एडमिट करती हूँ मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप पार्शियलिटी ना करिए, आप उनके व्लॉग्स को सपोर्ट करो, उनके शॉर्ट्स को सपोर्ट करो, उनके सब कुछ को सपोर्ट करो, इसको आप सपोर्ट करोगे हम मानेंगे नहीं। और जो उनके रिपोर्ट्स आए हैं उनका कहना है कि इनको देख के वो बिगड़ी हैं। तो मैं बात करना चाहूँगी, मैं एक्चुअली उनका क्रंच का चैनल कभी नहीं देखती, मतलब नहीं रखती, व्लॉग्स वगैरह देख लेती हूँ, लाइव में जाती हूँ, सब कुछ देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो एज अ पर्सन पसंद है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट भी किया है, सब किया है, और मैंने भी किया है, ऐसा नहीं कि मैंने सपोर्ट नहीं किया है। और उन्होंने कई बार सामने से आकर भी मुझे बोला कि आप मुझे रोस्ट कर सकते हो। तो जो YT की अबला नारी को मैं रोस्ट करने जा रही हूँ, तो भाई कुछ हो रहा है तो मेरा पर्सनली किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, समझे आप?
मेरा दुश्मनी है क्रंचर से। और जो बच्चे औरतें आपको देख के बिगड़ रहे हैं उस टॉपिक पे मैं बात करूँगी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो वाईटी की अवला नारी को रोस्ट करूँगी, उनके ऊपर ही आएगा। उनको समझाने की कोशिश करूँगी, समझ आ जाए तो ठीक है भाई।